आप देख रहे हैं दखल न्यूज। भाजपा महिला मोर्चा के कार्यक्रम में हुई कांग्रेस व भाजपा कार्यकर्ताओं की आपसी झूमाझटकी में नया मोड़ सामने आया है। कांग्रेस प्रत्याशी के भाई ने भाजपा के ऊपर साड़ी व पैसा बांटने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने की बात भी कही है। मतदान के ठीक पहले राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं। रीवा के द्वारका नगर कॉलोनी स्थित ग्रीनलैंड मैरिज गार्डन में विगत दिन बीजेपी महिला मोर्चा और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। दरअसल बात का विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह बताया गया कि अंदर महिला मोर्चा के कार्यक्रम में स्व सहायता समूह की महिलाओं को बुलाकर साड़ी और पैसे बांटे जा रहे हैं। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। उसके बाद मारपीट जैसी स्थिति निर्मित हो गई। शाम तक सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें रीवा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने भाई का जिक्र करते हुए यह बताया कि कांग्रेस के लोग गुंडागर्दी करते हुए महिला मोर्चा के कार्यक्रम में घुसकर मारपीट कर रहे थे। आनन फानन में कांग्रेस की ओर से भी सफाई आई। रीवा विधानसभा प्रत्याशी अभय मिश्रा के भाई ने बताया कि वार्ड क्रमांक 25 के भाजपा पार्षद वेंकटेश पांडे व रीवा जिला मीडिया प्रभारी रितेश मिश्रा ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैरिज गार्डन में गेट बंद करके अंदर पीटा। मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे घर से मुश्किल से 50 कदम की दूरी पर ग्रीनलैंड मैरिज गार्डन है। वहाँ कोई भी गतिविधि होती है तो मुझे जानकारी में आना स्वाभाविक है। मुझे मालूम हुआ कि वहाँ स्थानीय मंत्री द्वारा DPIP स्व सहायता समूह की महिलाओं का एक भव्य आयोजन किया गया है जिसमें कि उन्हें बुलाया गया है एवं खाना पैसा साड़ी इत्यादि चीज़ों से उपकृत किया जा रहा है जो कि आचार संहिता का सरेआम उल्लंघन है। जब मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई तो इस बीच में मेरे कार्यकर्ता कुछ उस घटना का विरोध करने के लिए पहुंच गए थे बाहर, गार्डन के बाहर खड़े थे वो। इस बीच में गार्डन के मालिक जो कि भाजपा के पार्षद हैं वेंकटेश पांडे जिनका गार्डन है, तो उनके द्वारा एवं उनके गुर्गों के द्वारा एवं भाजपा के जो मीडिया प्रभारी हैं रितेश मिश्रा उनके द्वारा हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती खींचकर गार्डन के अंदर बंद करके गेट बंद करके जबरदस्त पिटाई की गई है। जबरदस्त पिटाई होने के बाद जब मुझे ये सूचना प्राप्त हुई तो लगभग इस घटना के आधे घंटे पौन घंटे बाद मैं वहाँ पहुँचा। स्वाभाविक है कि मेरे कार्यकर्ता हैं वो, कोई मेरे कार्यकर्ता को इस बुरी तरीके से पीटेगा बंद करके मारेगा तो मैं तो प्रश्न करूंगा ही। मैं अंदर गया, मैंने विद्या प्रकाश श्रीवास्तव जी भी थे, रितेश मिश्रा मेरे से लड़ने के मूड में आया एकदम से, और मैंने सिर्फ यही उनसे प्रश्न रखा कि आप लोगों ने इस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट क्यों की। आप वीडियो फुटेज में जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी आपके सामने, मैं ये देखिए ये कैसे मारपीट की गई है, ये सरेआम आप देख सकते हैं। इसमें भाजपा के पार्षद वेंकटेश पांडे द्वारा, रितेश मिश्रा द्वारा एवं उनके अन्य गुर्गों द्वारा, विभा पटेल के पति द्वारा किस तरीके से मारपीट की जा रही है ये आप स्वयं देख सकते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चे का कोई कार्यक्रम चल रहा था, उसी बीच कुछ लोग यहाँ आए थे और उसमें फिर आपस में कोई बातचीत हुई है। उनका आरोप है कि यहाँ पर पैसा बांटा जा रहा था, तो उन सब बातों का हम लोग परीक्षण कर रहे हैं। CCTV फुटेजेस भी यहाँ उपलब्ध हैं, हम पूरा परीक्षण करेंगे और उसके बाद भी यथायोग्य कार्रवाई करेंगे। मिश्रा ने वीडियो फुटेज दिखाते हुए बताया कि वीडियो में दिख रहा है कि भाजपा पार्षद जो बुरी तरह से एक कार्यकर्ता को पीट रहे हैं और दूसरे फुटेज में जिला मीडिया प्रभारी रितेश मिश्रा भी कार्यकर्ता को पीटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इससे यह साफ होता है कि मारपीट भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने की है। कांग्रेस इस मामले में न्यायालय जाने की बात कर रही है, वहीं पुलिस भी इस मामले की अपने तरीके से जाँच कर रही है।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।